गोजरा में ईद उल अज़हा करीब आते ही गोजरा की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के जानवरों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडी में कोरोना SOPs के सरेआम धजियां उड़ाई जाने लगी। इंतजामिया के मेले भगत से बासर अफराद साइकिल स्टैंड की मदद में शहरियों से पैसे वसूल करने में मसरूफ। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गोजरा में भी ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडी में जानवरों का रश बढ़ गया। मुकामी इंतजामिया की जानब से मवेशी मंडी में इंतहाई नाकस इंतजाम, कोरोना SOPs की सरेआम धजियां उड़ाई जाने लगी। मवेशी मंडी में जानवर लेकर आने वाले शहरियों से ठेकेदार के अफराद 1100 रुपये वसूल करने लगे, जबकि मवेशी मंडी से बाहर नेशनल हाईवे की हदूद में जाली साइकिल स्टैंड बनाकर इंतजामिया नई करप्शन करने में मसरूफ़ है। 20 रुपये मोटरसाइकिल और 50 रुपये कार की मद में टीका लगाने लगे। मवेशी मंडी से में शदीद गर्मी की वजह से जानवरों और शहरियों के लिए पानी का भी खातरख्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया। मवेशी मंडी से झंग की तरफ जाने वाली और शहर की तरफ आने वाली हर तरह की ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, उमर जावेद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, ग्रेट न्यूज़, टोबा टेक सिंह।